हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लैब वाला में। मैं हूँ राजेंद्र कुमार और मैं आज आपको बहुत ही बेसिक से लैब एपरेटस के बारे में बताने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री लैब में आपने देखा ही देखा होगा, वो है ये बीकर। देख ही रहे होंगे ये क्या है, बीकर है। और सब में एक कॉमन सी बात है, साइज अलग है लेकिन कॉमन सी बात है सब में। यहाँ देखिएगा, सब में बीक है, सब में बीक्स बनी हुई है, चिड़िया की चोंच होती है। इसका काम क्या होता है? बीक्स इसलिए यूज होती है ताकि इसमें लिक्विड पोर किया जाए तो इधर उधर फैले ना। इसमें ये जो बीकर्स हैं, यहाँ 1, 2, 3, 4, ये 5 बीकर्स जो हैं, ये बीकर ग्लास के हैं। इसको ग्लासवेयर में काउंट करते हैं। ये बोरोसिलिकेट के बने होते हैं और कंपनी है इसकी बोरोसिल। ये बोरोसिलिकेट के बने होते हैं, बोरोन और सिलिका। सिलिका ग्लास होता है जर्मन, उसमें बोरोन और ऐड कर देते हैं तो वो थोड़ा सा हीट रेजिस्टेंट हो जाता है, तो इसीलिए इसको यूज करते हैं। इसको हम डायरेक्ट गैस पे, इसको गैस बर्नर से इसको जला सकते हैं, हीट कर सकते हैं। इसमें कोई भी लिक्विड रख करके ये टूटेगा नहीं। बस टूटने का इसका एक वो है, इसको अगर फेंक देंगे तो शटर टूट जाएगा, गिर के शटर हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ग्लासवेयर ठीक है, लेकिन इसमें एक ही यही ड्रॉबैक, ये टूट जाता था, तो इसीलिए फिर इस टाइप के प्लास्टिक के बीकर्स भी आए। ये भी 100 ml का बीकर है, ये प्लास्टिक का है। और इसमें क्या खास बात है? प्लास्टिक का है, टेफ्लॉन प्लास्टिक का है। इसको थोड़ा हीट करते हैं तो ये हीट रेजिस्टेंट होता है, ज्यादा हीट करते हैं तो गल जाएगा, लेकिन थोड़ा हीट करते हैं तो इस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसका शेप नहीं खराब होता है। और सबसे जो बेस्ट है इसका पार्ट वो है, इसको फेंक देते हैं, ये टूटता नहीं है। तो बच्चों की लैब के लिए, जिसमें क्लास 12, 10, 9 के बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट होता है ये वाला लेबोरेटरी में बीकर रखना। ये टूटता नहीं है, गिर जाता है, टूटता नहीं। बच्चों से अक्सर 30 बच्चों की क्लास, 50 बच्चों की क्लास अगर आ गई लैब में तो जरूर कुछ ना कुछ गिरता है। बच्चों की भी उतनी गलती नहीं है, गिरता है, ह्यूमन एरर है और टूटता नहीं है, तो ये ज्यादा बेटर है छोटी लैब, स्कूल लैब्स के लिए। तो बच्चों के यूज के लिए ज्यादातर बिकॉज 100 ml, 250 ml, 500 ml, इतने में ही बच्चों का ज्यादा ज्यादा 1 लीटर। ये 2 लीटर का बीकर है, ये ज्यादातर लैब में रिएजेंट्स बनाने के लिए 2 लीटर और 5 लीटर के बीकर का यूज करते हैं। तो आइए एक एक करके एक बीकर में आपको दिखा देता हूँ। ये 100 ml का बीकर है, ये 250 ml का बीकर है, ये 500 ml का बीकर है, ये 1000 ml का बीकर है, ये 2000 ml का बीकर है और ये 5 लीटर का बीकर। बीकर की कैपेसिटी यहाँ पे लिखी रहती है। यहाँ पे बीकर में एक कैलिब्रेटेड स्केल होता है, इससे हम, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट होता है। 100 ml, 200 ml, 300 ml, इस तरीके से लिखा होता है। यहाँ पे टोटल कितना कैपेसिटी है बीकर की, और एक हर बीकर के ऊपर एक व्हाइट कलर का पैच होता है, इसके ऊपर आप कुछ चाहें तो मार्कर से लिख सकते हैं। तो ये हमारे बीकर, तो इनकी जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।